नमस्कार, सुबह समाचार में मैं दीपक आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। बिहार में जातीय संघर्ष की नई लड़ाइयों ने और इसके साथ ही साथ जातीय जनगणना सवालों के घेरों में आने के बाद में कई नई खबरें सामने आई है। आइए सभी खबरों को विस्तार से देखने से पहले हेडलाइंस पर नजर डालते हैं, फिर खबरों को देखेंगे विस्तार से। सबसे पहले जातीय जनगणना सवालों के घेरों में कहा गया, स्वर्णों को दबाने की कोशिश और जब तक स्वर्णों को दबाने की कोशिश की जाएगी तो ऐसा संघर्ष, लड़ाई और तमाम चीजें जारी रहेगी। साथ ही साथ आज की बड़ी खबरों में विस्तार से बात करेंगे कि शक्ति यादव ने क्यों कहा कि आखिरकार परिवारवाद को जब बचाया जा रहा है तो इस परिवारवाद के आरोप में बीजेपी क्यों संघर्ष कर रही है, इस पर भी करेंगे विस्तार से बात। मुकेश सहनी के तमाम वोटरों की विस्तार से करेंगे बात, जहां गंगाजल के कसम और सुगंध को लेकर के नई नीतियों को अपनाने का भरपूर प्रयास किया गया है। इसके साथ ही साथ आज की बड़ी खबरों के अंदर विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे कि चिराग पासवान की क्या है नई रणनीति और भारतीय जनता पार्टी के कंधों पर किस तरीके से अपने बंदूक को रख फायर करने की भरपूर प्रयास में लगे हुए हैं वो बिहार में। इसके साथ आज की बड़ी खबरों में बात करेंगे कि देश के अंदर 6 राज्यों के चुनाव और 6 राज्यों में से सबसे चर्चित चुनाव मध्य प्रदेश का, यानी मामा का चुनाव, क्या भगना मारेंगे बाजी, ये बहुत बड़ा सवाल और संघर्ष वहां भी दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश में कहा गया कि हम भीख तो नहीं मांगने के लिए बैठे हैं ना, हम भीख नहीं मांगेंगे, अगर हमें लड़ाई लड़ना है तो फिर हम भीख क्यों मांगे, हमें हमारे अधिकार की लड़ाई लड़नी है। इसके साथ बात करेंगे कि किस तरीके से बेगूसराय से लेकर के पटना तक जिया देश के तमाम कोने कोने के लोग इन निगाहों को बनाए बैठे हैं, क्योंकि सांसदों की संख्याओं में बीजेपी नई वृद्धि करने की संभावनाएं तलाश रही है और अब वंदे भारत एक्सप्रेस की नई खोज और इसके साथ इसके रफ्तार को और तेज बनाने की नई प्रयास ने नया रंग दिखाई दिया है। इसके साथ आज की बड़ी खबर में बात करेंगे कि इस महीने के अंत तक होने वाले जिया 6 राज्यों के चुनाव के तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग कर सकता है, संभावनाएं व्यक्त भी की जा चुकी है। बड़ी खबर, शुरुआत सबसे बड़ी खबर से करते हैं। बिहार में दो बड़े नाम और दो बड़े चेहरों की शुरुआत हुई, लेकिन आपने भी इन नामों को बहुत अच्छे से जाना है, समझा है। पहला नाम जो तेजस्वी यादव का है, जो अक्सर चर्चा में रहते हैं। तेजस्वी यादव का चर्चा में रहने का पीछे का वजह आज ये है कि जिस गांधी जी ने जात पात और भेदभावनाओं को हिंदुस्तान से दूर करने का प्रयास किया, उन्हीं गांधी जी के कंधों पर रखे बंदूक और चला दिए, कहा 2 अक्टूबर के शुभ अवसर पर जातीय जनगणना का रिजल्ट हमने दे दिया, बल्कि हिंदुस्तान के लोग इस बात को बिठाए बैठे थे कि बिहार में जो जनगणनाएं हुई हैं, इन जनगणना में कहीं ना कहीं सरकारें आर्थिक जनगणना की बातें भी करेगी, पर तेजस्वी ने रखा बंदूक और चलाया, कहा यादवों की संख्या बिहार में ज्यादा है, ऐसे में जिसकी जितनी ज्यादा भागीदारी उतना ज्यादा जी हाँ हिस्सेदारी, पर अब मुसलमानों का क्या, जो अल्पसंख्यक के तौर पर 5 लाख रुपए माफ कराने में लगे हुए हैं। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है इस वक्त जातीय जनगणना को लेकर। जातीय जनगणना सवालों के घेरों में है। स्वर्ण आरोप लगा रहे हैं कि पंडित राजपूत और ठाकुर को सचमुच बिहार से गायब करने का प्रयास किया गया है। इसमें पूरी तरीकों से संघर्ष इस बात को लेकर के है कि जिसकी जितने ज्यादा हिस्सेदारी जो दिखाई दी है, भागीदारी और हिस्सेदारी का जो खेल है, इसमें मुसलमान और यादवों का जो वोट बैंक का एक सिलसिला है वो काफी हद तक बड़ा है। लेकिन अब पंडित जी और राजपूत जी ये कह रहे हैं कि आखिर हम कहां गए, इधर भूमिहार और तमाम अन्य लोग भी आए हैं, जहां कह रहे हैं कि हमारी लड़ाई कहां है, हमें तो लगता है कि खेल कर दिया गया। पर अब इस खेल को सुप्रीम कोर्ट में ले जाकर के चुनौती देने का प्रयास किया गया है। अब कहा गया है कि इसको हम सुप्रीम कोर्ट तक ले जाएंगे, जहां बिहार सरकार को घिसटते हुए ले जाएंगे और कहेंगे कि इन्होंने इनमें बड़ा खेल किया है, अब खेल का पूरा एक जो ब्यौरा है वो दें, अगर ब्यौरा नहीं दे सकते तो फिर इस जातीय जनगणना को भी रद्द कर दें, क्योंकि जातीय जनगणना से छुआछूत और भेदभावनाएं की भावना बिहार में उत्पन्न हो सकती है। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है इस वक्त शक्ति सिंह यादव को लेकर के, जहां उन्होंने कहा परिवारवाद को कौन खत्म कर रहा है और कौन बढ़ावा दे रहा है, इस बात से आप अनुमान और अंदाजा लगा सकते हैं कि आज परिवारवाद को खत्म होने कई युग हो चुके हैं। लेकिन आपको भी पता है कि ये नेता जितना भी कह लें, इन नेताओं के अंदर इतनी ताकतें तो नहीं है कि अपने बेटे को यूँ कहें कि नहीं नहीं मेरा बेटा रणनीति और राजनीति में नहीं आएगा। इनका बेटा रणनीति भी बड़ा ही माहिर तरीकों से बनाता है और राजनीति का गेम भी खेलना अच्छे से जानता है। लेकिन अब इन नेताओं की खूब संघर्ष और कहानियों को देखा जा रहा है, जहां कई बड़े नेताओं ने नई नई कोशिशों के साथ एक नया संघ की शुरुआत की है। सबसे पहले अगर बात करें तो आपने देखा है कि शक्ति सिंह यादव कह रहे हैं, लेकिन हकीकत भी बीजेपी के बातों में है। बीजेपी के बातों में इस वजह से हकीकत दर्श रही है, क्योंकि इन नेताओं का जो
अस्तित्व है वो अस्तित्व परिवारवाद से जुड़ा हुआ है। तेजस्वी के पिताजी लालू प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री थे और यू भी मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। सबसे बड़ा कोशिश तो इस वक्त इसमें भी परिवारवाद का आरोप लग सकता है दोस्तों, लेकिन बड़ा संघर्ष और बड़ा कठिन तरीकों से लड़ाई लड़ते कोई नजर आ रहा है तो वो है लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कह सकते हैं, संरक्षक कह सकते हैं। दरअसल लोजपा इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के सहयोग में जाकर के चुनाव लड़ना चाहती है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान के निधन के बाद में यह पार्टी ने दो टुकड़ियों में अपने आप का बंटवारा किया था। पहला रामविलास पासवान जो लोजपा था और दूसरा लोजपा पशुपति पारसनाथ का। अब रामविलास पासवान वाला जो लोजपा है इसमें कहीं ना कहीं चिराग पासवान की खूब चल रही है। चिराग पासवान भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के बारे में भी जान चुके हैं। लोकसभा चुनाव में सीटों के बंटवारे और सीटों की अधिकतम मांग को लेकर के वो सामने भी आ सकते हैं। खबरें तो ये भी है कि चिराग पासवान सीएम के तौर पर खुद को पेश भी कर सकते हैं, लेकिन बीजेपी इस उम्मीद को कहीं ना कहीं सीधे से इनकार कर सकती है। बीजेपी को एक बेहतर चेहरा चाहिए बिहार में जो कहीं ना कहीं टारगेट कर सके तेजस्वी और नीतीश को। ये बात आ रही खबर ये है कि जीतन राम मांझी एनडीए का हिस्सा बनने के बाद में क्या उनकी राजनीतिक करियर सचमुच समाप्त हो गई है? आपको सबसे पहले लिए चलते हैं गया, और गया की बातें अगर आपको ध्यान में हो तो उन्होंने गया में अपने बेटे के लिए सीटों के बंटवारे के बाद में मांग किया था, जहां उन्होंने अपने बेटे को आगे ला करके रख दिया था। अक्सर बिहार और उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहाँ तमाम राजनीतिक दलों ने अपने सुपुत्र श्री को ला करके यहाँ पेश किया है ताकि जनता जान सके कि मांझी का बेटा कौन है। पर एक ऐसा भी चेहरा है आज तक जिस चेहरे ने कभी भी परिवारवाद को सपोर्ट नहीं किया, लेकिन उसकी बार बार कल्टी मारने के तौर तरीकों ने बीजेपी से भी उसे दूर ले गया। ऐसे में वह नीतीश कुमार थे जिनके बेटे का नाम क्या है आज बिहार के बहुत रेयर ऑफ रेयर केस में कई कम ही लोग जानते होंगे, लेकिन नीतीश कुमार ने नहीं किया पेश। दूसरी तरफ जीतन राम मांझी अपने राजनीतिक करियर को समाप्त कर बेटे को लाकर गया में खड़ा कर दिए और गया में कहा कि देखिए अब मैं कम करूंगा विकास पर, बेटा मेरा ज्यादा। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के पहले चरण के दौरान उन्होंने हिमाचल प्रदेश से लेकर के देश के अन्य राज्यों में अपने आप को स्थापित किया। देश के कई राज्यों को उन्होंने कवर किया, लेकिन कुछ राज्य बाकी भी रह गए। भारत जोड़ो यात्रा के दूसरे चरण की शुरुआत से पहले राहुल ने पहले यात्रा के अनुभवों को साझा किया। देश के अंदर अब एक बार फिर से भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा स्वरूप देखने को मिल रहा है। इस यात्रा का रंग रूप और तमाम चीजें बदल गई है। इस यात्रा में राहुल पैदल तो नहीं चल रहे हैं, लेकिन ऐसे लोगों को जोड़ रहे हैं जो कहीं ना कहीं खुद पैदल चलते हैं, और ऐसे लोगों को जोड़ करके वह इतिहास बनाने की कोशिश भी कर रहे हैं। कहीं पलम्बरों को जोड़ रहे हैं तो कहीं स्टूडेंट को जोड़ रहे हैं, कहीं राइडरों को जोड़ रहे हैं तो कहीं पेट पालकों को जोड़ रहे हैं। ऐसे में हिंदुस्तान के अंदर उनकी चाहते और उनके चाहने वाले लोगों की संख्या में वृद्धि आ रही है। इंडिया गठबंधन के अंदर भी कई अन्य राजनीतिक दलों की मजबूत प्रहार के वजह से एक नई कोशिशों का एक नया पिटारा भी खुला है। खैर इस पर अपनी राय भी और विचार भी कमेंट में जरूर लिखिएगा, और इसके बारे में अपनी लड़ाइयों को किस तरीके से देखते हैं जरूर बताइएगा। क्या इंडिया गठबंधन 2024 में किसी नए पैमाने पे नए सीएम या पीएम को कैंडिडेट को तो बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है इस वक्त गृह मंत्री अमित शाह को लेकर के। अमित शाह 2014 के तर्ज पर 24 में लड़ाई लड़ना चाहते हैं। वह बताना चाहते हैं कि कांग्रेस ने किन किन नीतियों से भारत के विकास को रोक रखा है। वह बताना चाहते हैं कि संसद भवन के अंदर जब भी सत्र की शुरुआत होती है तो इन लोगों के द्वारा क्यों घेरा जाता है। कुछ दिन पहले विशेष सत्र पर नजर बनी हुई थी। विशेष सत्र में महिला सशक्तिकरण बल को पेश किया गया और इसके साथ ये भी साफ तौर पर बता दिया गया कि महिलाओं के लिए और देश के युवाओं के लिए खास तौर पर विकास किया जाएगा, पर 2029 तक इस विकास पर मुहर लगने से वंचित भी रहा जाएगा। खुद इसको भारतीय जनता पार्टी ने अपने विचारों में इंक्लूड किया और बातों को साफ तौर पर जनता के समक्ष ला करके प्रस्तुत भी किया। उन्होंने कहा कि हाँ इन बातों में हकीकत तो जरूर है, पर अब इन बातों से विचार रखने वाले कई अन्य लोगों की नई नई तस्वीरें भी सामने आ रही है। खबर इस वक्त लालू प्रसाद यादव को लेकर के। 16 अक्टूबर का एक ऐसा समय होने वाला है जब लालू प्रसाद यादव फिर से चर्चा का विषय बनेंगे। लालू प्रसाद यादव पर चर्चा इसी बात को लेकर के होगी कि आखिर आने वाला वक्त लालू प्रसाद यादव के लिए कितना कठिन होगा। चारा घोटाले मामले में लालू प्रसाद यादव सजा याचिका हैं और उन्हें सजा हो चुकी है। फिलहाल वह बेल पर बरी हैं, स्वास्थ्य कारणों से बेल पर बरी हैं, और जब मटन बना करके खा सकते हैं, चुनावी जनसभाएँ कर सकते हैं, तो जेल के सलाखों के पीछे क्यों नहीं रह सकते। सीबीआई और ईडी ने इन मामले
मामले पर लालू प्रसाद यादव को फिर से घिसटा है और फिर से सवाल किया है। खैर, अपनी राय भी विचार भी कमेंट में। फिलहाल आप देख रहे थे बिहार समाचार, और अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करके लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कीजिएगा। जय हिंद।